हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे रिको एफिको MP1600LE। ये मॉडल का प्रिंटर है मेरे पास, सॉरी जेरॉक्स मशीन है और प्रिंटिंग का भी है इसमें ये ऑप्शन। तो हमारे पास इसमें प्रॉब्लम क्या आ रहा बोलता हूँ, मैं ऑन करके बताता हूँ आपको। इसके अंदर प्रॉब्लम देखिए फ्रेंड्स, ये जो बटन्स है ये देखिए आप, ये बटन का प्रॉब्लम आ रहा है इसमें, जो कि हम जेरोक्स करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन जेरोक्स नहीं हो रहा उसमें, और इसमें से भी कुछ बटन्स काम नहीं कर रहे हैं। तो हमको सिर्फ ये बटन के बारे में सोचना है, क्योंकि ये मेन बटन है जिससे कि पेपर कॉपी होता। मैं आपको अभी बताता हूँ कि उसको जेरोक्स करके वो बटन दबा के। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैं पेपर इसमें डाल दिया और ये बटन दबाने के बाद में भी ये काम नहीं कर रहा। आप सुन सकते साउंड उसकी, ना प्रेस करने के बाद में भी काम नहीं कर रहा। अब इनमें से देखिए आप, कुछ बटन काम कर रहे हैं, ये देखिए 3 6, यानी कि कुछ बटन इसमें से काम कर रहे हैं और कुछ काम नहीं कर रहे हैं। तो हमारे को ये बटन्स का उतना प्रॉब्लम नहीं है, मैक्सिमम प्रॉब्लम जो है ना, ये छोटा वाला मशीन है तो इसमें ही प्रॉब्लम, ये इसको सॉल्व कर लेंगे। तो उम्मीद है कि हम जेरॉक्स वगैरह ईजी से इसके अंदर कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं इसको सिर्फ खोलना बताऊंगा आपको किस तरीके से खोलना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाती अगर मैं आपको पूरा फिट करने के बाद में, यानी कि हर चीज़ एक 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 चीज़ में बताते गया तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता। तो मैं आपको इसमें सिर्फ और सिर्फ ये जो पैनल है, ये पैनल ओपन कैसे करते हैं वो बताऊंगा, और इसके बाद में Part 2 बनाएंगे इसका, जिसमें कि हम ये बटन्स रिपेयर करेंगे। ठीक है, ये वाला बटन रिपेयर करेंगे और कोशिश करेंगे कि अगर इनमें से भी कुछ अगर रिपेयर होता है तो ठीक है करेंगे। और मैक्सिममली प्रॉब्लम इसके अंदर स्विचेस का आता है, वो सारी चीज़ें मैं आपको Part 2 में बताऊंगा। अभी तो हम इसको खोलने का तरीका देखते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए आप, ये स्क्रूज दिख रहे हैं आपको, ये वाला, और यहाँ पे भी एक दिख रहा है, देखिए ये 4 स्क्रूज अपने को खोलना है। ठीक है, ये ऊपर वाले, ये 4 भी स्क्रू खोलना है। फिर उसके बाद में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नीचे ये वाला एक स्क्रू, और यहाँ पे अंदर एक ये वाला स्क्रू दिख रहा है आपको, यहाँ पे एक और यहाँ पे। ठीक है, हमको ये 4 स्क्रूज ओपन करना है। ओपन करने के बाद में आगे का क्या रहता है मैं आपको बताऊँगा। तो फ्रेंड्स, ये हम 4 स्क्रू इसके ओपन कर लिए यहाँ से यहाँ तक। तो अभी इसको निकालने का तरीका देखिए, बहुत ईजी है, थोड़ा सा आपको एहतियात से इसको बाहर खींचना है, बस ये बाहर आ गया। अब उसके बाद में इसको इसी तरह से इसको भी थोड़ा सा बाहर की तरफ पुल करना है, क्योंकि ये पैनल जो है ना, इसके साथ स्क्रू वगैरह पूरे अच्छे से हमने नीचे खोल लिए। अब यहाँ देखिए आप, ये नीचे वाला, यहाँ पे एक सॉकेट है, तो सॉकेट निकालने का, उसके बाद में आप आराम से पैनल बाहर कर ले सकते हैं। ठीक है, मैं बताऊँगा कैसा निकालना है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये वाला सॉकेट इसमें एक है, और इसके अलावा और कुछ भी नहीं है इसमें। और ये रहा हमारा पैनल जो कि हम निकाल रहे थे, ये पैनल के पास यहाँ पे एक सॉकेट है। अब इसको भी खोलने का तरीका बहुत इजी है, कोई बड़ा काम नहीं है इसमें, लेकिन फिर भी मैं आपको सिर्फ ओपन करने के लिए वीडियो बनाया ये, तो रिपेयरिंग का अभी बाद में देखेंगे हम इसको। ठीक है, तो इसको ओपन करने के लिए 3 स्क्रू चाहिए, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। ये 3 स्क्रू खोलने के बाद में हमारा पैनल का पीछे का कवर निकल जाएगा। ठीक है, मैं ओपन करके बताऊंगा आपको। ये देखिए फ्रेंड, इसका पैनल पूरा ओपन हो गया, ये 3 स्क्रूज ओपन करने से हम इसका पैनल निकाल लिए। तो अब मैं इसको रिपेयरिंग का बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, थैंक यू वेरी मच। और अगर आपको काम नहीं आता तो आप किसी एक्सपर्ट को लेकर काम करिए, क्योंकि ये जो सॉकेट है, इनमें से अगर वायर कुछ ब्रेक होता है तो फिर प्रॉब्लम इसमें ज़्यादा आने के चांसेस है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।